बिस्मिल वहीं वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स का टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फॉर आम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं बैक ऑफ फॉर आम के उनको डिटेल से देखा था तो जब हमने जनरल बात की थी तो हमने कहा था कि बैक ऑफ फॉर आम की जब हम बात करते हैं तो उधर ट्वेल्व मसल प्रेजेंट होते हैं जिसमें से सेवन सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं जबकि फाइव डीप मसल्स होते हैं फाइव डी में से जो पहला मसल आता है डेड मसल इज द सुपिनेटर मसल ये वाला जो ब्लू कलर में ए, मसल दिखाया है दिस मसल इज द सुपिनेटर मसल इसके इसकेीजन की बात कर लेते हैं इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ह्यूमरस का ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस इस लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर से इसकी ओरिजन और आता है सुपिनेटर का उसके अलावा जब ए, रेडियो अल्न जॉइंट होता है उसके ऊपर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है डेड लिगामेंट इज द एन्युलर लिगामेंट इस एन्युलर लिगामेंट के ऊपर भी इसके ओरिजन हो रहा होता है सुपिनेटर मसल का ये वाला लिगामेंट दिस लिगामेंट इज द एन्युलर लिगामेंट ऑफ द रेडियो एल् जॉइंट इस एन्युलर लिगामेंट से भी इसका औरिजन हो रहा होता है नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये रेडियस बोन के ऊपर आकर इंसर्ट होता है रेडियस बोन के ऊपर कहाँ पे इंसर्ट होता है ये रेडियस का हेड है हेड के नीचे ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है जो कि कंस्ट्रिक्टिड है इसको हम बोलते हैं नेक ऑफ़ द रेडियस इस नेक ऑफ रेडियस और जो शाफ्ट ऑफ़ रेडियस का ऊपर वाला हिस्सा होता है अपर पार्ट उसके ऊपर आकर इसकी इंसर्शन हो रही होती है सुपिनेटर की तो ये कहाँ से आ रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकोडाइल ऑफ़ ह्यूमरस उसके अलावा एन्यूलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियो जॉइंट और ये आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द नेक ऑफ़ द नेक ऑफ द रेडियस और शाफ्ट ऑफ रेडियस के अपर पार्ट के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है सुपिनेटर का मसल इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व और इसके एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म के अंदर इन्वॉल्व होता है नाम के अंदर ही सुपिनेटर है तो ये सुपिनेशन करवाएगा फोर आर्म की तो ये पहला मसल हो गया सुपिनेटर नेक्स्ट जो मसल आता है डेट मसल इज़ द एबडक्टर एबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है पॉलिसिस पॉलिसिस वर्ड हम थम के लिए यूज़ करते हैं और लॉन्गेस्ट थोड़ा सा ये लेंथ के अंदर ज़्यादा होगा तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट ऐसा मसल होगा जो कि एबडक्शन करवाएगा थम की क्योंकि ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के ऊपर आगे इंसर्ट हो रहा है तो अब हम इसकी औरिजन की बात कर लेते हैं ओरिजन की जब हम बात करते हैं तो ये ओरिजन ले रहा होता है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ला इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये अल्ला बोन प्रेजेंट है यना बॉन पेरेंट है और ये रेडियस बॉन पेरेंट है इन दोनों बॉन्स की शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर से ये ओरिजिन ले रहा होता है एबडक्टर डक्टर पॉलिस लॉन्गस का मसल तो एबडक्टर डक्टर पॉलिस लॉन्गस ये ओरिजिन की बात होगी नेक्स्ट इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं इसकी इंसर्शन हम, हमने कहा था कि ये पॉलिस आ रहा है इसके नाम के अंदर तो ये थम के अंदर आकर इंसर्ट होगा थम के अंदर कहाँ पे इंसर्ट होगा जो फर्स्ट जो मेटाकार्पल बोन होती है उसकी बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट होगा क्योंकि पॉलिस वर्ड हम थम के लिए यूज़ करते हैं तो ये फर्स्ट जो मेटाकार्पल बोन होती है उसकी बेस के ऊपर आकर इंसर्ट होगा एपडक्टर पोलिस लॉन्गस का मसल नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और इसकी एक्शन की जब हम बात करते हैं तो चूँकि एबडक्टर है तो ये एबडक्शन करवाएगा और पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है तो ये एक्सटेंशन करवाएगा थम की तो एबडक्शन और एक्सटेंशन ऑफ थम के अंदर एबडक्टर पोलिसिस लोंगस का मसल इन्वॉल्व होता है तो ये दूसरा मसल हो गया नेक्स्ट जो मसल आता है द एक्सटेंसर पॉलिसिस लोंगस का मसल एक्सटेंसर पॉलिसिस लोंगस हम देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ला बोन पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ला बोन के ऊपर हमारे पास ये वाला जो मसल है दिस मसल द एक्सटेंसर पोलिस लोंगस इसके अंदर भी पॉलिस आ रहा है तो ये थम के अंदर जा रहा होगा थम के अंदर कहाँ तक जा रहा होता है डिस्टल फैलिंग्स के लेवल तक ये जा रहा होता है जिससे पहले वाला मसल पड़ रहा था एबडक्टर पॉलिसिस लोंगस वो प्रोगल फैलिंग्स तक जा रहा था सॉरी uh, वो जा रहा था मेटाकार्पल बोन तक अब ये जा रहा है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थम के ऊपर ये हमारे पास डिस्टल फैलिंग्स हैं फर्स्ट डिस्टल फैलिंग्स या जिसको हम थम की डिस्टल फैलिंग्स बोलते हैं तो डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थम की बेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है कौन सा मसल एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस का मसल आ रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ला बोन और ये आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंगस ऑफ द थम नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई रही होती है और इसके नाम के अंदर एक्सटेंसर है तो ये एक्सटेंड करवाएगा डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब को यानी जो थंब का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम डिस्टल uh, फेलिंग्स बोलते हैं उसकी एक्सटेंशन हमारे पास ये वाला मसल करवाएगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लोंगस का मसल अब इस मसल को हाइट uh, कर देते हैं इसके नीचे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल इज इस द इससे पहले ये वाला मसल देख लेते हैं दिस मसल इज द एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस मसल एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस का मसल आ रहा होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस बोन ये हमारे पास रेडियस बोन प्रेजेंट है इस रेडियस बोन के पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ शाफ्ट से आ रहा होता है एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस जो लॉन्गेस्ट था वो अल्लाह बोन के पोस्टीरियर सर्फेस से आ रहा था लेकिन जो ब्रेविस है वो रेडियस बोन की शाफ्ट के पोस्टीयर सर्फेस से आ रहा होता है नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं इसकी इस, इस इंसर्शन हम देख सकते हैं कि ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थम था के ऊपर इंसर्ट हो रहा है ये हमारे पास प्रोक्सिमल फेलिंग्स हैं प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थम की बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है तो सबसे पहले हमने थम के तीन मसल्स देखे हैं अब तक एबडक्टर पोलिस लोंगस हमने देखा कि मेटाकार्पल जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन थी उसकी बेस के ऊपर इंसर्ट हो रहा था यानी यहाँ पे करके इंसर्ट हो रहा था यहाँ पर और फिर हमने देखा एक्सटेंसर पोलिस लोंगस जो कि सबसे लंबा जा रहा था और, और जाके इंसर्ट हो रहा था डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थम के ऊपर फिर हमने देखा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो कि प्रोक्जिमल फैलिंग्स के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहा था प्रोक्जिमल फैलिंग्स की बेस के ऊपर नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है उसकी एक्शन की बात करें तो इसके अंदर चूंकि हमारे पास एक्सटेंसर आ रहा है तो ये एक्सटेंशन के अंदर इन्वॉल्व होगा कौन से लेवल के ऊपर एक्सटेंशन करवाएगा मेटाकार्पो फलेंजियल जॉइंट मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट क्यों होगा क्योंकि इसके लेवल को देख लो ये हमारे पास मेटाकार्पल बोन प्रेजेंट है और ये फेलिंगस प्रेजेंट है तो मेटाकार्पो फलेंजियल ज्वाइंट की एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस का मसल इन्वॉल्व होता है तो ये हमारे पास हो गया चौथा मसल नेक्स्ट जो मसल आता है डैथ मसल इज़ द आखिरी जो मसल है दिस मसल इज़ द एक्सटेंसर इंडिस एक्सटेंसर इंडिसिस का क्या मतलब है कि ये इंडेक्स फिंगर के अंदर जा रहा है इंडेक्स फिंगर के अंदर जा रहा होता है इसकी ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये पोस्टीरियर सर्फेस शाफ्ट ऑफ द अल्लाह से आ रहा है ये हमारे पास अल्लाह बॉन प्रेजेंट है इस अला बॉन की पोस्टीरियर सर्फेस से ये आ रहा होता है एक्सटेंसर इंडिसिस का मसल और ये आकर इंसर्ट हो रहा है इंडेक्स फिंगर के अंदर इंडेक्स फिंगर के अंदर हमें पता है कि एक एक एक्सटेंसर एक्सपेंशन प्रेजेंट होती है वहाँ पर आकर ये एक्सटेंसर इंडिसिस का मसल इंसर्ट हो रहा है तो ये हमारे पास हो गया पांचवा मसल इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई होती है डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व और ये एक्सटेंशन करवा रहा होता है मेटाकारपो फलेंजियल ज्वाइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर की क्योंकि इसके नाम के अंदर इंडिसिस आ रहा था तो ये इंडेक्स फिंगर की एक्सटेंशन के अंदर इन्वॉल्व होगा तो ये थे हमारे पास पाँच मसल जो डीपली प्रेजेंट होती हैं बैक ऑफ फोर आर्म के ऊपर फ्यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल